शिमला जिला के रामपुर पीजी कॉलेज परिसर में अंतर महाविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का विधिवत समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 17 टीमों की 200 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व अंतर्राष्ट्रीय कोचों ने भी भाग लिया। शिमला जिला के रामपुर पीजी कॉलेज परिसर में अंतर महाविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता विधिवत रूप से संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 17 टीमों के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों व अंतर्राष्ट्रीय कोच भी शामिल हुए। 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पीजी सेंटर की टीम को पछाड़ कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि तीसरे स्थान के लिए मुकाबला आरकेएमबी शिमला और राजकीय महाविद्यालय के मध्य रहा और बाजी आरकेएमबी ने मारी। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने छात्राओं को खेलों में इस तरह आगे बढ़ते हुए हुनर दिखाने के लिए बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं भारतीय 23 ईयर वर्ग के चीफ कोच प्रीतम सिंह ने बताया कि पहले वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लाए हैं। उन्होंने बताया, वर्तमान में जिस तरह से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें कमी लाने के लिए खेले जरूरी हैं। आयुषी ने बताया कि उन्होंने 23 वर्ष की आयु वर्ग में एशियन गेम्स में हिस्सा लिया, यहाँ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए आई है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि युवा नशे की ओर न जाकर खेलों को बढ़ावा दें। ब्रिटिश गेम चैंपियनशिप में भाग ले चुकी मनीषा ने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए खेले बेहतर विकल्प हैं, इससे युवाओं का ध्यान नशे की ओर न जाकर खेलों की ओर बढ़ेगा। अच्छा, मैं प्रीतम सिंह चौहान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर पोस्ट कोच हूँ। सीनियर कोच के पद पर कार्यरत हूँ और धर्मशाला में मेरी पोस्टिंग है और अभी एट प्रेजेंट मैं वहाँ कार्य करने के साथ साथ इंडियन अंडर 23 मेन टीम का चीफ कोच भी हूँ, जिसने भी रिसेंटली अगस्त में जो है एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके सिल्वर मेडल लिया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। ये खेलों के माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि समाज में सुधार की जो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आज का युवा जो नशे की तरफ जो ज़्यादा खींचता चला जा रहा है, ये अगर खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, अभी जो मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मूवमेंट चलाई भी है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो है, उस स्वस्थ भारत में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ये एक इसी का ही भाग है कि हम अपने सभी लोगों को खास करके युवाओं को अपने स्वस्थ रहने की तरफ जो है स्वास्थ्य को ठीक रखने की तरफ खेलों के तरफ जो है उनको आकर्षित करना है। जब वो खेलों की तरफ आकर्षित होंगे तो नेचुरली हमारा जो है जो नशे वाले जो समस्या आ रही है देश में जो है युवाओं के बीच में खास तौर से, ये जो है इसको मिटाने में अगर नहीं भी पूरी तरह से सफल हुए तो इसको कम करने में अवश्य जो है सफलता मिलेगी हमारे को।